आप लोगों को मैं ये चीज़ भी बताऊंगी कि आरसी को जब भी आरसी आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से आप उसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आरसी के अंदर जो है मैं यहाँ पे ये करवाने वाली हूँ। ठीक है, देखिए आरसी करने का जो आप लोगों का करेक्ट वे है, करेक्ट अप्रोच है कि पहले आप क्या करो, पहले आप फटाफट से ना क्वेश्चंस का रिव्यू कर लो कि आपको क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। फिर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जो है आपको धीरे धीरे आरसी जो है क्या है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इससे आप लोगों को आसान भी लगेगा और बड़ी आराम से आप अपना आरसी कभी भी गलत करके जो है नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसने मुझसे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछा है। तो मुझे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास पेपर भी होता है वहाँ पे आप लिख लो, पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसने इस आरसी का क्या पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है, यस, ऑफसेट ऑफ इमेशंस आर यूज, तो कुछ ऑफसेट ऑफ इमेशंस के बारे में। देखिए आपके पास रफ पेज वो लोग देते हैं ना यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे आप अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्वेश्चन ऑफसेट ऑफ इमेशंस, राइट। उसके बाद फटाफट से स्क्रोलिंग करते हुए आप लोग अपना तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन कहता है द वे इन विच कंज्यूमर कैन प्रोड्यूस अ ग्रीन प्रोडक्ट एंड ब्राउन फ्रॉम अ ब्राउन, तो ग्रीन प्रोडक्ट फ्रॉम अ ब्राउन प्रोडक्ट, इस तरीके से हम इसका यहाँ पे कोड वर्ड जो है बना सकते हैं। और उसके बाद 94 और 95th जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या कहता है, देखिए 94th जो आप लोगों को कहता है इम्प्योर पब्लिक गुड्स जो है आपके क्या होते हैं। ठीक है, और 95th क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, 95th क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछता है एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन गुड्स। ठीक है, तो गाइज बन गए पांचों क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में जो है मुझे लगता है फटाफट से चले गए होंगे। और अब बारी है हमारे आरसी को रीड करने की, आरसी को पढ़ने की। ओके, तो इसको मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से जो है ये वाली चीज़ जो है ये दिखे। ठीक है, तो एक बार रीडिंग लेते हैं अपने पांचों क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। देर इज अ कंसिडरेबल एविडेंस दैट सम कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर ग्रीन गुड। ठीक है, यानी कि कुछ कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, कुछ कंज्यूमर जो है वो ग्रीन गुड्स के लिए ज़्यादा पेमेंट जो है वो करना चाहते हैं। ग्रीन गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन एन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वे, जिनको आप इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वे में करते हो, एग्जाम्पल वुड प्रोडक्ट्स फ्रॉम सस्टेनेबल फॉरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम विंड पावर, मतलब जहाँ पे इन्वायरमेंट को कहीं कोई हार्म ना हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, कुछ आपका ऐसा क्वेश्चन था ना एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन गुड, तो इसको मैंने यहाँ पे दिमाग में अंडरलाइन कर लिया। विदाउट आर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर दिस आर रेफर टू एज इम्प्योर पब्लिक गुड। इम्प्योर पब्लिक गुड मतलब क्या है, ये आप लोगों के पैकेज हैं, किसके पैकेज है, प्राइवेट गुड का और साथ ही साथ पब्लिक गुड का। लो अभी मैंने इतना सा ही पढ़ा है और मुझे दो क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल भी चुके हैं। ओके, व्हाई कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर दिस गुड इज कॉम्प्लेक्स, क्यों वो ज़्यादा पे करना चाहते हैं ये बहुत ही पेचीदा बात है। वट एवर द रीज़न इट इज़, जो भी रीज़न हो, इट इज़ क्लियर दैट सम कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे फॉर ग्रीन एक्शन, ग्रीन एक्शन के लिए पे करना चाहते हैं, दैट दे डू नॉट बेनिफिट देम डिरेक्टली। ओके, अच्छा उसके बाद वन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन गुड इज ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ग्रीन पावर इज सिंपली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी इट सेल्फ इज कम्प्लीटली इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नॉन ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। देर आर टू वेज इन विच कंज्यूमर मे बाय ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी एंड आइदर बाय बाइंग इट डायरेक्टली और बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कंज्यूमर्स आर क्लियरली विलिंग टू स्पेंड मोर फॉर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर प्रेफरेंस फॉर ग्रीन प्रोडक्शन इज इंडिकेटेड बाय द रिसेंट राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ द रिटेल कार्बन ऑफसेट। ऑफसेट इमिशन हैव बीन यूज बाय फर्म्स टू बाय एंड सेल द ऑब्लिगेशन। कुछ इमिशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन था तो इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेती हूँ जो मुझे बाद में हेल्प करेगा। न्यू यूएसए न्यू एमिटर सेटिंग अप अ बिजनेस इन एन अर्बन एरियाज टू ऑफसेट देयर इमिशन एडिशंस बाय फाइंडिंग एंड पेइंग एग्जिस्टिंग फर्म्स टू रिड्यूस देयर इमिशन। इन रिसेंट ईयर्स फर्म्स हैव यूज ऑफसेट टू इफेक्टिवली रिड्यूस देयर इमिशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ ग्रीन इमेज पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ कार्बन इमिशंस। ओके,
परचेज ऑफ ऑफसेट बाय कंज्यूमर इज डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर बाय ऑफसेट मेकिंग अ प्योरली वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंट. रिटेल ऑफसेट आर अ वे कंज्यूमर कैन प्रोड्यूस अ ग्रीन प्रोडक्ट फ्रॉम अ ब्राउन प्रोडक्ट. कुछ आया था ना ग्रीन प्रोडक्ट फ्रॉम ब्राउन प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था. फॉर एग्जाम्पल वन कैन मेक हिज पार्ट ऑफ द फ्लाइट कार्बन न्यूट्रल बाय पेइंग समवन एल्स टू रिड्यूस हिज और हर कार्बन इमिशन. दिस इज फॉर्मलाइज्ड इन एन ऑफसेट मार्केट वेयर बाय सेलर ऑफ ऑफसेट रिड्यूस इमिशंस एंड देन सेल दिस रिडक्शंस. सो गाइस आरसी पे हम लोगों ने मार ली है नज़र और आंसर्स आप लोगों को, मुझे लगता है 3 से 4 आंसर्स तो आप लोगों को मिल ही चुके होंगे. ठीक है, तो फटाफट से मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ स्क्रोलिंग करके 91 क्वेश्चन के ऊपर. हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं ओके, और आपको मैं बताती हूँ क्या होंगे इनके करेक्ट आंसर. आपको मैंने पहले भी बताया था, देखो पिछली बार भी जो है क्या है लास्ट में ही आरसी उसने दिया था और इस बार भी उसने लास्ट में ही आरसी जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया है. राइट, चलिए. ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मींस, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? देखो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम थर्मल प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गैस पावर्ड प्लांट्स या फिर हाइड्रो पावर. देखिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे उसने कहीं मेंशन किया था. हियर वी हैव, ये देखिए, वन एग्जांपल ऑफ ग्रीन गुड इज ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी. ग्रीन पावर इज सिंपली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड यूजिंग द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है अगर आप यूज करते हैं. ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी इट्सेल्फ इज कम्प्लीटली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नॉन ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी. तो पता लग रहा है ना, साफ ही आपको आंसर दिख गया होगा. कितना फ़ायदा हुआ हमने जो आरसी पढ़ा, 91 का आपका 1 हो गया. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मिल रहा है ना कितनी आसानी से आंसर. आरसी तो वैसे ही मतलब है आपका फ्री के मार्क्स. अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है ना, 2 आरसी दे दे तो समझ लो 20 नंबर तो फ्री के मिल गए आपके पेपर में. ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. 92 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है. सो गाइस ऑफसेट ऑफ इमिशंस आर रिड्यूस आर यूज्ड, सॉरी. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको किस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे जो है क्या है इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते थे और मैंने आप लोगों को कहीं पे मार्क भी करवाया था जब यहाँ पे जिक्र जो है ये हुआ था इमिशन वाले का. जो है क्या है आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिला था ये रहा. ओके, हैव बीन यूज बाय फर्म्स टू बाय एंड द सोल सेल द ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस इमिशन. इन द USA न्यू एमिटर सेटिंग अ बिजनेस इन एन अर्बन एरियाज ऑफसेट देयर इमिशन बाय फाइंडिंग एग्जिस्टिंग फर्म टू रिड्यूस देयर इमिशन. इन द रिसेंट ईयर्स फर्म्स ऑफसेट टू इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस देयर इमिशन टू प्रोवाइड अ ग्रीन इमेज. ओके, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ कार्बन इमिशन. द परचेज ऑफसेट बाय कंज्यूमर इज डिफरेंट व्हेन कंज्यूमर बाय ऑफसेट देयर आर प्योरली वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंट. रिटेल ऑफर्स आर अ वे इन विच कंज्यूमर्स कैन प्रोड्यूस आ. अच्छा बस इतना ही काफ़ी है इमिशन में. आप लोगों को यहाँ पे आंसर जो है पता लग गया होगा. देखिए यहाँ पे इसने ग्रीन इमेज का इसने यहाँ पे जिक्र किया. उसके बाद दूसरी चीज़ आप लोगों की यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने के लिए मिल रही है, टू रिड्यूस द इमिशन भी जो है पॉइंट आप लोगों का यहाँ पे आया था. और जब हम इमिशन को रिड्यूस कर रहे हैं, देखो कितना आसान चीज़ थी, तो हम उसको ऐड क्यों करेंगे. बिल्कुल इसका अपोजिट ऑप्शन है, एंड टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर प्रेफरेंस. यानी कि ए बी डी जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए था. थर्ड वुड बी द राइट आंसर जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा. ठीक है, उसके बाद 93rd क्वेश्चन क्या बोलता है जी. 93rd क्वेश्चन में द वे इन विच द कंज्यूमर कैन प्रोड्यूस अ ग्रीन प्रोडक्ट फ्रॉम अ ब्राउन प्रोडक्ट, कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते थे जी. मोनोपोली, रिटेल ऑफसेट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फिजिकल डेफिसिट. तो इसमें रिटेल ऑफसेट का ऑप्शन जो है आया था, तो सेकेंड ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर जो है आप लोगों का यहाँ पे हो जाना चाहिए था. उसके बाद है आप लोगों का अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दी 94th क्वेश्चन जो है. इम्प्योर पब्लिक गुड भी मैंने आपके दिमाग में मार्क करवा दिया था. इम्प्योर पब्लिक गुड क्या होता है, अ पैकेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड जो है हमारा ये होता है हमारा
इम्प्योर पब्लिक गुड, ठीक है, ये भी मैंने आपके दिमाग में मार्क करवा दिया था तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, उसके बाद 95th क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे क्या था, 95th क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। यस, एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन गुड, इसमें से कौन सी वाली चीज़ जो है एग्जाम्पल होने वाली है ग्रीन गुड का। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर आप दिमाग भी लगाते हैं, वाइट पेपर को बनाने में हम कितने ट्रीज काटते हैं, तो ये ग्रीन गुड तो कभी भी नहीं हो सकता। ग्रीन गुड वो होता है जो आप लोगों का इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, उसने आप लोगों को पैसेज में बोला था ग्रीन गुड क्या होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है भाई, जंगल काट काट के अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो तुम इन्वायरमेंट फ्रेंडली थोड़ी ना होंगे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब अगर आपने फर्नीचर बना दिया तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली थोड़ी ना है वो। हाँ, बाकी विंड पावर और सोलर एनर्जी दोनों आप लोगों के एग्जाम्पल हो सकते हैं ग्रीन गुड के। सो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है बी एंड डी ओनली यहाँ पे होना चाहिए था, फोर्थ ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। क्लियर? सो आई होप गाइज ये आरसी भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक आरसी आप लोगों की और है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। और मैंने जैसे आपको ये वाली आरसी कराई ना, देखो कितने आसान तरीके से आपकी आरसी हो गई, कुछ आपने पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं करा, और कितने आसान तरीके से जो है आप इसको यहाँ पे आपने मेरे साथ इसको यहाँ पे आपने सॉल्व किया। वैसे ही मैं आप लोगों के साथ दूसरा आरसी भी जो है मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे अपना शेयर जो है मैं यहाँ पे करूँगी, ठीक है। सो गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं अपनी NTA UGC नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी करना, या फिर अगर आप किसी सेट के प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप गेट इकोनॉमिक्स की अगर आप लोग तैयारी जो है आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो डोंट थिंक मच, अनअकैडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अनअकैडमी पे आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट तो कोर्स आप लोगों को मिलना ही मिलना है, साथ ही आपको यहाँ पे PYQs भी आप लोगों को मिलते हैं, रिवीजन भी जो है आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और अब तो आपके मॉक टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं। कंप्लीट कोर्स, PYQs, मॉक टेस्ट अभी यूनिट वाइज चल रहे हैं, फिर आपके कंबाइंड मॉक टेस्ट भी होंगे। तो इतना कुछ जब मिल रहा है तो डोंट थिंक मच। 6 months का सब्सक्राइब करने का फीस 1400 पर मंथ है, 12 months का 875 है, और 24 months का 700 पर मंथ है। इसके अलावा अगर आपके पास 3 महीने का भी ऑप्शन होता है, 3 months का सब्सक्राइब करने का फीस 1750 पर मंथ है। तान्या भाटिया 1213 अगर आप यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करना है आपको, कैपिटल लेटर में यूज़ करना है, ठीक है। तान्या, या तो आप सीधा तान्या लाइव यूज़ कर लो, अगर ये कोड बड़ा लगता है तान्या लाइव आप यूज़ कीजिए, इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, और साथ ही साथ पेपर वन जो आप लोगों को मुफ्त यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी 9818369115। इस नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप जो है आप लोग अपना यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस, जाते जाते मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ जो है मैं और दिखा देती हूँ, that will be also very helpful for you. Let me show you. ओके, सो गाइज, अनअकैडमी पे आप मुझे कर लीजिएगा फॉलो, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे जो है फॉलो नहीं किया है। और वहाँ पे आप लोगों को मेरी बहुत सारी फ्री वाली क्लासेस भी मिलेंगी, और पेड कोर्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। एंड आई हैव ऑल्सो शेयर्ड माई नंबर विद यू गाइज, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कैसे करना है आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो, आपने जाना है अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना है, और वहाँ पे सर्च बार में तान्या भाटिया टाइप कर देना है। जैसे ही आप तान्या भाटी टाइप करेंगे मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी, तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और जो मेरे इकोनॉमिक्स के इतने सारे कोर्सेज हैं इनका आप लोग फ़ायदा उठाइए। और गाइस, तान्या इकॉन के नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल भी मैं दिखा देती हूँ, और तान्या इकॉन के नाम से ही मेरा पर्सनल यूट्यूब का चैनल है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी कोई भी आने वाली क्लास जो है मिस ना हो, और कोई भी आप लोगों का जो इम्पॉर्टेंट क्लास है वो मिस ना हो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू एट 5 PM ऑन प्लस। थैंक यू।